बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकम। मैं इस वीडियो में बात करूंगा सऊदी वीज़ों के मतलब, जो हालिया की सूरत हाल चल रही है, यानी कि कौन सा वीज़ा कितने का मिल रहा है, और सैलरी वगैरह के मतलब, या आप आज़ाद काम करना चाहते हैं उसके मतलब आपको अपडेट करना चाहूँगा। मैं वीज़ों के रेट के मतलब भी आपको बता देता हूँ। मैं अभी कल मैंने एक फर्स्ट टाइम वीडियो शेयर की, आपका इकामा ख़त्म है या विज़िट वीज़ा आपका ख़त्म हो चुका है, तो आप खरूज नहाई कैसे जा सकते हैं वहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से, और उसके बाद आप न्यू वीज़ा के तौर पर सऊदी अरब में इंटर कैसे हो सकते हैं बाद में, इसके मतलब कि मैं मुकम्मल डिटेल के साथ कल मैंने एक वीडियो शेयर की, और उसमें मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया। बहुत से भाइयों ने व्हाट्सअप नंबर वहाँ से लिया और मुझसे रब्ता किया। कल से भाई को 50 बंदों ने मुझसे रब्ता कर लिया है, और अच्छा, इनमें से कुछ 15 से 20 बंदे ऐसे भी मुझे मिले जो वीज़ा के मतलब बात कर रहे थे, तो कुछ 2-4 बंदे ऐसे भी मिले जो न्यू वीज़ा लेकर जा चुके हैं, अभी चंद माह हुए हैं, तो और अपने मिसाइल वगैरह पेश कर रहे थे और बता रहे थे, और कुछ बंदे ऐसे मिले जो वीज़ा ले चुके हैं। कितने का ले चुके, काम क्या है? अब पहले तो आपको ये बता दूँ जी, वीज़ों के रेट के मतलब जो अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आप छोटे महीने वाला वीज़ा लेते हैं, यानी कि साय खास, आमल मंजिली, घर की खादमाएँ या इसी से रिलेटेड, यानी कि हार्स वगैरह वाला, जो भाई सऊदीया में बैठे हुए हैं, छोटा महीना बाखूबी जानते हैं, इनके मतलब जो न्यू मेरी वीडियो देख रहे हैं, न्यू वीज़ा के मतलब सोच लेना, यानी कि न्यू वीज़ा लेना चाहते हैं, वो भी सुन लें। छोटा वीज़ा जो है जी, छोटे महीने वाला वीज़ा, ये सस्ता मिलता है, ये 5,000 से 7,000 या 7,500 के अराउंड में मिल जाता है, इससे महंगा नहीं मिलता है। कल ही एक बंदे ने रब्ता किया, यहाँ पर ये भी बता दूँ, 7,500 में वीज़ा लिया है, 7,500 में वीज़ा लिया है, और इकामा उसका होगा, और उसके अलावा रहाइश उसकी, एक काम भी वही बंदा देगा, 120 रियाल यौमिया भी देगा, कफील का यानी कि काम है, तो 120 रियाल यौमिया के ऊपर रख रहा था इस बंदे को, यानी कि काम तुम खुद का करो, मैं तुमको काम लेकर दूंगा, मंथली जो भी कफील उसके साथ अपनी डिसाइड करेगा। अभी की जो सूरत हाल चल रही है वो 400 रियाल 500 रियाल ये मंथली चल रही है जी, यानी कि 1,000 1,500 रियाल में आपको पता है 1,000 के अराउंड में इकामा बनता है ये, लेकिन कफील जो छोटे महीने वालों की बात कर रहा हूँ, पहले मैं बंदों से 4,000 5,000 6,000 रियाल तक का लेते हैं एक साल का, उनको इकामा लगा कर दे देते हैं, अपना को काम वगैरह हो वहाँ पर उनको लगा देते हैं, यानी कि उनको सैलरी वगैरह या उनकी दिहाड़ी वगैरह उनको पूरी देते हैं, या वो बंदे खुद से एग्रीमेंट करके या जो भी बार करते हैं, इसके मतलब आप जानते हैं जो प्रदेश में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अभी छोटा महीनों वालों के मतलब आपको पता चल चुका है, यानी कि 5,000 से 7,000 के अराउंड में वीज़ा मिल जाता है छोटे महीना वाला। अच्छा, इसमें 2-3 हज़ार का भी मिल जाता है, लेकिन वो किसी बंदे का कुछ जानने वाला हो, उसका अगर जुगाड़ लग जाए तो, बहरहाल जी, अगर से एजेंट वगैरह भी पैसे खाते हैं, तो अगर बड़े महीने वालों की बात करें, यानी कि आमल आईडी एंड आब सवाक एंड साइक शाहना, बहुत से महीने आते हैं जी बड़े में भी, और इसमें ये है जी कि ये वीज़ा, इसका इकामा लगता है कम व बेश 10,000 रियाल का, तो आपको ये वीज़ा 10,000 से ऊपर ही 2-3 हज़ार देना पड़ेगा, यानी कि 12-13 हज़ार रियाल का आपको, या हो सकता है 14,000 रियाल का भी आपको ये वीज़ा लेना पड़ जाए, लेकिन उसमें भी आपको 15 माह का इकामा देगा वो बंदा जाते हुए, ठीक है। अच्छा, 15 माह का इकामा मिल जाएगा, लेकिन 15 माह बाद आपने 10,000 रियाल ही आपको लगाना पड़ेगा अपना वीज़ा, यानी कि अपना इकामा रीन्यू करने के लिए। वो बड़ा महीना होता है, उसमें होता यह है कि आप कोई भी काम करें, जिधर मर्जी घूमें आएँ जाएँ, आपको पूछ नहीं होती है, क्योंकि आपका महीना बड़ा होता है। अच्छा, बड़ा महीना में ये भी होता है जी, मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि एक बंदे ने 4 बंदों का मुसस्सा बनाया हुआ है, उसके पास भी बड़े महीने वाले बंदे होते हैं, लेकिन वो उनकी फीस भी फिर कम होती है, यानी कि उनका ही काम लगता है 1,000 1,500 के अराउंड में, लेकिन 4 बंदों के अराउंड में मुसस्सा, और वो 4ों बंदों के जो महीने हैं वो मुख्तलिफ हों, ऐसा नहीं हो कि 2 साय खास हैं उसके पास, 2 आमल हैं जी, फिर वो नहीं बचेंगे, एक एक बचेगा, दूसरे दो हैं वो उन दोनों का भी सर ले जाएंगे, क्योंकि उन 4ों के इकामे फिर 10-10 हज़ार रियाल में बनेंगे। ये भी क्लियर कर दूं आपको मैं, 4 बंदे जिस मुसस्से में आए जी, उसमें 4 महीना वाले अलग अलग बंदे उसने रखे हुए हैं, इसीलिए उस बंदे का यानी कि उसके जो 4 आमल हैं उनका इकामा 1,000 1,500 के अराउंड में लगता है, लेकिन वो भी जाहिर सी बात है, उन बंदों के साथ एग्रीमेंट वगैरह उसने किया होता है, उस हिसाब से पैसे लेता है, ठीक है जी। बड़े वीज़ा के मतलब मैंने आपको बता दिया, छोटे वीज़ा के मतलब बता दिया, ये हालिया रेट चल रहे हैं। कुछ भाई मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे बोल रहे थे कि भाई आप वीज़ा वगैरह के मतलब हमें ले दें, पैसे वगैरह हम आपको दे देंगे, तो भाई बात ये है जी कि मैं एक तो पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ वीज़ा वगैरह का, दूसरी बात ये है जी मैं पाकिस्तान में हूँ छुट्टी के तौर पर, आपको पता है, तो आप किसी अपने काबले, जो आपका आपको एतमाद हो जिस बंदे के ऊपर, उससे आप ले सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हालिया रेट चल रखे हैं उनसे मैंने आपको अपडेट कर दिया है।